हम लोग भव्यता जिस स्तर से हम लोग दिखाते आ रहे हैं पिछले 48 साल से 1976 से मेरा संस्था चलते आ रहा। हम लोग से सीनियर जो थे पहले वो संभाल रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग आगे जनरेशन बढ़ाते हुए संभालते हुए। का पब्लिक हम लोग का परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं, बहुत इच्छुक रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम लोग उड़ीसा से छऊ नृत्य बुलवा रहे हैं, बंगाल का सिंह बाजा बुलवा रहे हैं और बंगाल से कुछ भक्ति डांस प्रोग्राम के लिए आते हैं और इस बार भी आएंगे। 48 साल से चलते आ रहा और 2025 में हम लोग 50 साल हो जाएगा, उसमें हम लोग बहुत ऊंचे स्तर से 50 साल का गोल्डन जुबली हम लोग मनाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हम हैं बाढ़ में, बाढ़ बीना धारणी क्लब के द्वारा हर साल सरस्वती पूजा कराया जाता है और बहुत भव्य तरीके से कराया जाता है। विसर्जन के समय बहुत झांकियां निकालकर सरस्वती माँ का विसर्जन किया जाता है। आज हमारे साथ हैं बीना धारणी क्लब के सचिव हैं, आज इनसे हम बात करेंगे। और सबसे खास बात आपको बता दें कि बाढ़ में सरस्वती पूजा का जो आयोजन होता है वो बीना धारणी क्लब के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। लोग पूरे बाढ़ में बीना धारणी क्लब के सरस्वती पूजा को लेकर काफ़ी चर्चाएं रहती है। आज बीना धारणी क्लब के सचिव हैं हमारे साथ, आज इनसे हम बात करेंगे कि कैसे बीना धारणी क्लब जो है ये आयोजन करती है सरस्वती पूजा की और कितने साल से बीना धारणी क्लब के द्वारा सरस्वती पूजा बिठाया जा रहा है। सबसे पहले रबजी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बीना धारणी क्लब, बाढ़ का गौरव नाम ही है इस क्लब का, बाढ़ का गौरव ऐसा क्यों? बाढ़ का गौरव हम लोग का ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग भव्यता जिस स्तर से हम लोग दिखाते आ रहे हैं पिछले 48 साल से 1976 से मेरा संस्था चलते आ रहा। हम लोग से सीनियर जो थे पहले वो संभाल रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग आगे जनरेशन बढ़ाते हुए संभालते हुए आ रहे हैं। और हम लोग विशेष प्रकार से झांकी पंडाल ये सब का जो भव्यता उच्च स्तर का रखते हैं हम लोग, इतना कि मतलब बाढ़ का पब्लिक हम लोग का परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं, बहुत इच्छुक रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो इस क्लब का हम लोग का जो सरस्वती माता कुछ न कुछ हर साल जितना बेहतर हो सके वो करने की कोशिश करते हैं, जैसे सरस्वती माता का मूर्ति हो, पंडाल हो, या फिर इस बार जैसा इस बार का 2023 का झांकी के लिए बता रहे हैं, हम लोग उड़ीसा से छऊ नृत्य बुलवा रहे हैं, बंगाल का सिंह बाजा बुलवा रहे हैं और बंगाल से कुछ भक्ति डांस प्रोग्राम के लिए आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो ये सब अलग अलग तरह का वैरायटी ये सब मतलब दिखाना करना ये सब मेरा भव्यता का पहचान रहा है। बाढ़ में सरस्वती पूजा का आयोजन बहुत जगह होता है लेकिन इन सब में माँ बीना धारणी क्लब बहुत चर्चा में, ये सजावट वगैरह जो यहाँ पे हो रही है ये सब कहाँ से, कैसे इस चीज़ को कहाँ से करवाया है आपने? हम लोग ये सजावट का विशेष प्रकार से मेरे एक क्लब का सदस्य ही है, अब वो परमानेंट सदस्य टाइप का जो बन गए हैं श्री सोनू बाबू बाढ़ के ही हैं वो, बाकी हम लोग अपना कुछ ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ऐसा उनके पास हम प्रस्ताव रखते हैं और वो ऐसा पूरा करने के लिए दिल्ली बाहर बाहर से वो सामान का अरेंजमेंट कराते हैं और पंडाल का भव्यता बढ़वाते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग का जिसे जुलूस का जुलूस जो निकालते हैं लगभग 1 किलोमीटर लंबा जुलूस रहता है और उसमें तरह तरह का इस बार मतलब हम लोग इतना बेहतर करने की कोशिश किए हैं, बहुत कोशिश किए हैं और इसी वजह से थोड़ा सा के लिए 30 तारीख का डेट जो रखा गया था हम लोगों का तैयारी हुआ लेकिन 100% देने की कोशिश के लिए 1 तारीख का डेट अब रखा गया है और 1 तारीख को विशेष रूप से देखने को मिलेगा। माँ बीना धारणी क्लब सरस्वती पूजा जो ये कितने साल से आयोजन सरस्वती पूजा का आयोजन कर रही है? ये 48 साल से चलते आ रहा और 2025 में हम लोग 50 साल हो जाएगा, उसमें हम लोग बहुत ऊंचे स्तर से 50 साल का गोल्डन जुबली हम लोग मनाने वाले हैं।
तो ये थे माँ बीना धारणी क्लब के सचिव। इन्होंने साफ साफ कहा कि 48 साल सरस्वती पूजा के आयोजन का हो गया है, इनके गौरवपूर्ण 48 साल पूरे हो चुके हैं माँ बीना धारणी क्लब का, और 2025 में माँ बीना धारणी क्लब के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस पे इन लोगों का भव्य आयोजन होगा। अगर आप इस बार माँ बीना धारणी क्लब के द्वारा सरस्वती पूजा का जो आयोजन किया गया था उसमें अगर आप नहीं देख पाए इस बार, तो अगली बार बाढ़ माँ बीना धारणी क्लब के सरस्वती पूजा के आयोजन को जरूर देखिए। बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजन किया जाता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।